नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा के पंचायत कार्यालय से बीती रात लगभग 12 से 1 बजे के मध्य चोरों ने पंचायत कार्यालय का ताला तोड़कर मीटिंग हॉल से अलग अलग डिजाइन की एक दर्जन कुर्सियों की चोरी होने की जानकारी मिली है। पीपलखेड़ा के सरपंच शैलेश राय ने चोरी हुई कुर्सी की कीमत 20,000 रुपये बताई है। सरपंच द्वारा बताया गया कि कुर्सियों की चोरी की सूचना थाना करारिया को दी गई है। सूचना मिलते ही थाना करारिया पुलिस द्वारा पंचायत कार्यालय पहुंचकर चोरी की घटना को संज्ञान में लिया है। पीपलखेड़ा से भैयालाल ठाकड़ की रिपोर्ट। साहब नमस्कार। नमस्ते सर, आज जो चोरी हुई है कैसा क्या हुआ है बताएं कुछ। ये पंचायत कल गुरुवार था, कल खुली हुई थी, जीआरएस और सचिव बैठे हुए थे। शाम को कल 5 बजे बंद करके गए तो रात में सूचना मिली 12 से 1 बजे। सामने वालों ने फोन किया कि भैया आपके यहाँ ताले टूटे हैं, तो सुबह आकर हमने देखा तो ताले टूटे हुए थे। हमारा ये मेन जिसमें ऑफिस है, कंप्यूटर, ये सब लॉक है जी। ये वाला कुछ नहीं हुआ। अंदर जो मीटिंग हॉल में से कुर्सियां चली गई हैं जी। कितने क्या संख्या है उनकी? संख्या है 6 फाइबर वाली है 7 फाइबर वाली है और 6 कुशन वाली है जो जी। लगभग कितने रुपए का चोरी हुई है? 20,000 रुपये का। हाँ, लगभग 20,000 रुपये का नुकसान है और ताले तोड़ गए हैं। लेकिन नुकसान 20,000 का हुआ वो ठीक है, लेकिन पंचायत के अगर ताले टूटेंगे फिर कौन सी चीज़ क्या सुरक्षित रहेगी? जबकि 12 बजे गश्त भी आता है, गश्त होता है, लेकिन चोरों को लिए कोई खौफ नहीं है और निरंतर चोरियां आए दिन हो रही हैं। इससे पहले बिजली विभाग की चोरी कर ली गई, तारों की भी, और लगातार क्षेत्र में चोरियों का रिकॉर्ड बढ़ते ही जा रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से मांग है कि इस पर जोर देते हुए गश्ती बढ़ाई जाए और चोरों को सख्ती से पकड़ा जाए। नहीं दी ना, मैंने 100 डायल किया था तो वो आए थे और जब्ती में वो दोनों ताले लेके गए और बोले कि आना, आप एक आवेदन देना, हम इसकी कार्रवाई करेंगे। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।